एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल में स्थित भारतल सिरसी गांव पहुंची। इस समय उषा देवी को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 5034 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 3784 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गाँव में लगभग 1000 राशन कार्ड धारक हैं। जब गाँव में सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि वर्तमान में गांव में 60 विधवा पेंशन, 90 वृद्धा पेंशन व 22 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 375 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 84 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 120 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व 15 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम पंचायत भारतल सिरसी से प्रधानपति धर्म सिंह बोल रहा हूँ। मेरे गाँव में 16-17 में जो पैसा आया वो 14 वित्त का भी और राज वित्त का भी पूर्ण रूप से काम कराया गया है। 14 में से तो सीसी काफी करा दिया गया है, जिसमें 60,000 करीब सीसी ईंट और 30,000 करीब कौन सी ईंट अब्बल ईंट भी लगाई गई है। नालियां बनाई गई हैं, जो रास्ते कभी नहीं चलते थे वो भी खुलवाए गए हैं। स्लिप निर्माण कराए गए हैं और पीछे 2016-17 में 23 आवास भी बनवाए गए हैं। 17-18 में 100 शौचालयों का निर्माण बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है और 24 आवास भी 16-17 के युद्ध स्तर पर बनकर तैयार हो गए हैं। प्लास्टर रहने है टाइम, उनका प्लास्टर का काम तैयारी जोर शोर पर है और 17-18 में ही ठंडे प्याऊ 6 लगवाए गए हैं। सब गरीब जनता को ठंडा पानी की व्यवस्था करी गई है। 17-18 में ही अब लाइट गली मोहल्ले में लगवाने का व्यवस्था करी जा रही है, जिससे चोर आदि गांव में ना घूम सके। और भी कई काम प्रगति पर हैं। और जी अप्रैल में हम गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं और उसमें भी जो मुख्य जरूरी काम हैं उन्हें सबको ही जोड़ा जाएगा और जितना हमारी निधि से होगा उतना हम अपनी निधि से कराएंगे और बाकी निधि से कुछ मंत्री साहब से भी कहेंगे, उपेंद्र सिंह से। और भी कुछ बड़े काम है हमारे, जैसे अस्पताल है 10 बेडों का, बैंक है, बिजली घर है, शमशान अंतरिष्टी स्थल है और गांव में कहीं भी परेशानी के रास्ते हैं 2-4 बड़े बड़े, जो उन्हें मुख्यमंत्री तक भी हम ले जाने के सोच रहे हैं। और भी जो भी काम गांव वाले जरूरी समझेंगे हम 17-18 में उसे पूर्ण रूप से कराने की कोशिश करेंगे। उसमें चाहे हमें मंत्री साहब का सहयोग लेना पड़े भूपेंद्र जी का और चाहे हमें मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़े, हम जाएंगे और अपने गांव के लिए हम हर कार्य बहुत तेजी से कराएंगे, जिससे हमारा जिले में हमारा भारतल सिरसी सबसे अव्वल दिखाई देवे और शांति रहे हमारे गांव में, सुखी रहे। हमारी योजना सीटीबीटी कैमरे लगाने की भी है, अगर हमें सरकार सहयोग देगी तो 10-20 सीटीबीटी कैमरे भी हम लगाने की सोच रहे हैं, जिससे कोई भी गांव के विवाद की सही जानकारी मिल सके और वो अधिकारियों को पहुंचाई जा सके। और हम आवासों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे गाँव में अभी 70-80 आवासों की और चाहना है, वो भी भेजा गरीब हैं, उन्हें आवास भी मिलने चाहिए। बाकी प्रशासन से हम ज्यादा से ज्यादा मांग करेंगे और सहयोग लेंगे प्रशासन का और अपने गांव को हम उत्तम बनाने के लिए अग्रसर हैं। मैं कृपाल सिंह, ग्राम पंचायत भारत सिरसी, तहसील ब्लॉक संभल, जिला संभल। हमारे गांव में पिछले गत वर्षों से जल की बहुत समस्या है, जल प्रदूषित है लगातार, इससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों में इससे कैंसर बढ़ने का खतरा है। अधिकतर लोगों में लीवर की समस्या है, इससे निदान पाना जरूरी है, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है।